समुंदर तले दफन एक रहस्य, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखद घटना जिसने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। ये घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका नाम है RMS टाइटैनिक। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। उस समय जर्मन और ब्रिटिश में होड़ मची थी बड़े बड़े जहाज का निर्माण करने की। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया जिसकी सजावट और कद एक आलीशान महल से भी बड़ा हो, जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोड़ों डॉलर का लोन दिया। इसके बाद 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्माण। लगभग 15,000 इंजीनियर और कारीगरों ने 3 साल कड़ी मेहनत करके पानी में चलता एक भव्य और आलीशान जहाज तैयार किया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे। इसकी इसी खूबी के कारण ही इसे अनसिकेबल जहाज कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर जाकर वो दुगना हो जाता था। व्हाइट स्टार लाइन ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर रोमांचित हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। कहा जाता है कि जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, तब इसे देखने के लिए 1 लाख से अधिक लोग बंदरगाह पर आए थे। साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शाम को शेबोर्ग फ्रांस पहुंचा और यहां से 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा और यहां से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक अपने अंतिम सफर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तब टाइटैनिक को उसके रास्ते पर आइसबर्ग मौजूद होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और जहाज की रफ्तार कम नहीं की, जो कि अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात होते होते कप्तान एडवर्ड स्मिथ को लगभग 6 चेतावनी वाले संदेश अन्य जहाजों द्वारा दिए जा चुके थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ ना ही जहाज की रफ्तार कम करना चाहते थे और ना ही इन चेतावनी को गंभीरता से लेने वाले थे, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपने आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वे टाइटैनिक को विशाल जहाज होने के साथ इस सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर्स फ्रेडरिक फ्लीट और रेगिनाल्ड ली को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात किया ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सके। उस रात समुंदर एकदम शांत था, आसमान में चांद नहीं था, इसलिए उन्हें सिर्फ तारों की हल्की रोशनी ही मिल रही थी। तभी अचानक 11:39 पर निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लैट ने जहाज के ठीक सामने एक काला सा पहाड़ देखा। उन्हें बर्फ की चट्टान नहीं दिखी। ये देख फ्रेडरिक तुरंत समझ गया कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है। फ्रेडरिक फ्लीट ने एक क्षण भी न गवाते हुए 3 बार घंटा बजा दिया और फिर तुरंत फोन पर खबर दी, बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने है। ये सुनते ही सारे अफसर जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे। अचानक हुए डिसीजन से कैप्टन ने टाइटैनिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिशें की, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि इसने थर्ड क्लास में रहने वाले यात्रियों को एक बड़ा झटका दे दिया था। यात्रियों को पता उस वक्त लगा जब टाइटैनिक को एक जगह पर रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिए गए। जैसे ही ये खबर फैली कि जहाज टकरा गया है तो लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। पूरे जहाज पर खौफ का माहौल था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तो उसने दबाव के कारण जहाज के निचले हिस्से की प्लेट्स को चीर दिया था, जिससे जहाज के दाई साइड में 300 फीट तक के कीले बाहर आ गई थी। कीले बाहर आ जाने से आपस में जुड़ी प्लेट सरक गई और पानी तेजी से अंदर आने लगा।
वहीं जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तो थर्ड क्लास में रहने वाले सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही समय में पानी डेक के ऊपर से बहते हुए एक एक करके सारे कंपार्टमेंट में भर जाएगा। इसके बाद सभी लाइफ बोट को बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थी, जिसकी कैपेसिटी लगभग 65 यात्रियों की थी। लेकिन अफरा तफरी और घबराहट में लाइफ बोट में केवल 28 से 30 यात्रियों को ही चढ़ाया गया। इस बात पर सवाल भी उठे कि कैप्टन होने के नाते स्मिथ को इस बात की जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री हैं और कितनी लाइफ बोट्स हैं। फिर भी कई नावों को बगैर पूरी तरह भरे जाने दिया गया और इसी वजह से ज्यादा लोगों की जाने गई। उस रात जहाज पर चारों तरफ खौफ का माहौल था, लेकिन इसी बीच वहां मौजूद म्यूजिशियंस का एक दल अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए मौत से बेखौफ होकर अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुनों को बजाता रहा, ताकि मरने वाले अपने आखिरी पल कुछ खुशी से बिता सके। दूसरी तरफ जहाज में 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने से जहाज के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज के पीछे वाला भाग ऊपर उठने लगा। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया। मात्र 2:40 में कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया था। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जाने गई। इसमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए थे। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद करीब 710 लोगों को बचा लिया गया था। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक उसके डूबने के लिए अलग अलग थ्योरी सामने आती रही है, जिसमें कोई थ्योरी इस घटना के लिए कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदार ठहराती है, तो कोई थ्योरी टाइटैनिक की बनावट और उसमें इस्तेमाल किए गए मटेरियल को घटिया बताकर उसे इसका जिम्मेदार साबित करती थी। लेकिन 2010 में शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट के तहत टाइटैनिक के डूबने की असली वजह जानने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम ने लाखों डॉलर के आधुनिक रोबोट्स और हाई डेफिनेशन वाले कैमरों की मदद से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में रडार तकनीक से स्कैन करके 15 किलोमीटर के क्षेत्र का एक मैप बनाकर टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकड़ों की 150,000 फोटोज और वीडियो इकट्ठा करके टाइटैनिक के मलबे के हर छोटे बड़े टुकड़ों का अध्ययन किया। और लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 2012 में इस टीम ने टाइटैनिक को वर्चुअली तैयार करके इसके डूबने की असली वजह को जानने का प्रयास किया। टाइटैनिक के डिजाइन और उसको बनाने में इस्तेमाल मटेरियल पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद टीम ने पाया कि टाइटैनिक के डिजाइन में कहीं कोई कमी नहीं थी और न ही उसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल घटिया क्वालिटी का था। दरअसल इस टीम के मुताबिक रिसर्च में पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि तेज रफ्तार से जब आइसबर्ग टकराया तो उससे हजारों टन का दबाव जहाज के निचले हिस्से पर पड़ा और इससे दबाव वाली जगह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। और फिर जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने से जहाज आगे से डूब गया। आज टाइटैनिक का मलबा कनाडा न्यूफाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़ा हुआ है, जिसकी तलाश एक अरसे से होती रही है, लेकिन कामयाबी 1985 में मिली। उसके बाद से अभी तक 700 से भी ज्यादा तैराक इस ऐतिहासिक मलबे के पास जा चुके हैं। हालांकि 100 साल पूरे होने से इसे पानी के नीचे की धरोहर में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद टाइटैनिक के मलबे का संरक्षण अब संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी करती है, ताकि इसके मलबे को गैर वैज्ञानिक और अनैतिक खोजों से बचाया जा सके। खैर, अभी तो 100 साल ही हुए हैं, हो सकता है आने वाली सदियों में समुन्दर से टाइटैनिक के ये निशान भी खत्म हो जाएं, लेकिन कोई भी आइसबर्ग उस टाइटैनिक को नहीं डुबो सकता जो करोड़ों अरबों दिलों में तैर रहा है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त नेहा आगरकर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।